अब रुक करेंगे हिमाचल राउंडअप खबरों की ओर। भारतीय बॉक्सिंग टीम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए रशिया रवाना हो गई है। बता दें आपको कि दरअसल जिसमें हिमाचल के सुंदरनगर के खिलाड़ी आशीष चौधरी भी शामिल हैं। बता दें आपको कि 1 से 6 सितंबर तक टीम ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी, जिसके बाद 7 सितंबर से 21 सितंबर तक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाएगी। सुंदरनगर में चोरी की वारदातों से लोग काफी परेशान हैं। शनिवार रात डेहर पंचायत डेहर के आलसू में हाईवे पर खड़े 3 ट्रकों से बैटरी चुरा ले गए, और वहीं ट्रक मालिक की शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी भी बदमाश को गिरफ्तार नहीं किया। सोलन में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब मतदाता घर बैठे अपनी मतदाता सूची को दुरुस्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि अब मतदाता सत्यापन का ये कार्यक्रम 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सोलन में एबीवीपी ने राज्यस्तरीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कि जनजातीय प्रमुख राम मोहन और साथ ही निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क हरबंस सिंह ने शिरकत की। बता दें आपको कि वहीं सम्मेलन में युवा छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिमला के यूरी में दरअसल ईश्वरीयस ने मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कि वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल वन निगम जल्द ही 100 वन रक्षकों की भर्ती करेगा, जिसकी स्वीकृति दे दी गई है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचित अधिकारी ऋचा वर्मा ने दरअसल मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से 15 अक्टूबर तक अपना सत्यापन करने की अपील की। चंबा में बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान छेड़ा है, जिसके तहत अब संगठन में नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। बता दें आपको कि डलहौजी में भी 1000 से ज्यादा नए सदस्य बनाए गए हैं। पौंजा साहिब के कपोटा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मेले के तहत 32 कंपनियों के माध्यम से 1300 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। श्री नैना देवी में एक बार फिर से मौसम में करवट बदली है। बता दें आपको कि इस बार घाट में दरअसल भारी बारिश से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि काफी दिनों के बाद हुई बारिश से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर स्वारघाट के पास मंडी डिपो की बस की ब्रेक फेल हो गई। ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टल गया। दरअसल ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने बस को पहाड़ी से सटा कर रोक दिया, जिससे कि यात्रियों की जान बच गई। आपको बता दें कि बिलासपुर में जनमंच प्रचार वाहनों को दरअसल एडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जनमंच कार्यक्रम से लोगों को काफी राहत मिल रही है और प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। हिमाचल की नताशा शर्मा और साथ ही याशिका शर्मा मिस टीन इंडिया में सूबे का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें आपको कि दरअसल टीन हिमाचल के ऑनलाइन ऑडिशन में 120 मॉडल्स ने आवेदन किया था, जिसमें से इन दो कलाकारों को चुना गया है। बता दें आपको कि राजगढ़ में हल्की बारिश भी लोगों के लिए आफत बन गई है। दरअसल बारिश से सैकड़ों सड़कें जो हैं वो तालाब बन गई हैं और साथ ही नाले उफान पर आ गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। शिमला के चुड़गांव में बादल फटने से गड़सारी नाला उफान पर आ गया है और संपर्क मार्ग पानी में बह गया है। बता दें आपको कि बादल फटने से आसपास के इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। पौंटा साहिब में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि जिसमें एक युवक की मौत हो गई, हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुल्लू के रामशिला के पास बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने एक ट्रक चालक की पिटाई कर डाली। हालांकि मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से चालक को छुड़वाया। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के स्वारघाट खंड के नई कार्यकारिणी है में दरअसल
आपको बता दें कि चरणजीत लाल लगातार तीसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। वहीं अजय नाइक को महासचिव और वीरेंद्र सिंह को सचिव पद पर तैनात किया गया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।